ऐतिहासिक अवसर को संबोधित करने के लिए हम भारत के महानतम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करते हैं। इंडियाज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, सर प्लीज एड्रेस दिस इवेंट। कर्नाटका के गवर्नर श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धारमैया जी, कर्नाटका विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक जी, भारत में बोइंग कंपनी की सीईओ श्रीमती स्टेफनी पोप, अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स, देवी और सज्जनों, मैं विदेश से आए सभी अतिथियों का बेंगलुरु में विशेष अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु एस्पिरेशंस को इनोवेशंस और अचीवमेंट से जोड़ने वाला शहर है। बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी, इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये ग्लोबल टेक, रिसर्च और इनोवेशन, डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। और इसलिए मैं बोइंग की पूरी मैनेजमेंट को, सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज कर्नाटका वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पिछले साल कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर पूरी हुई थी। अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी उन्हें मिलने जा रहा है। ये दिखाता है कि कर्नाटका किस प्रकार एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मैं विशेष रूप से भारत के युवाओं को बधाई दूंगा, क्योंकि इस फैसिलिटी से उन्हें एविएशन सेक्टर में नई स्किल सीखने के अनेक अवसर मिलेंगे। साथियों, हमारा प्रयास है कि आज देश के हर सेक्टर में
विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। और आपने G20 समिट में हमारे एक संकल्प को देखा होगा, हमने दुनिया के सामने कहा है अब समय आ गया है विमेन लेड डेवलपमेंट। एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं, चाहे फाइटर पायलट हो या फिर सिविल एविएशन हो। आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से 15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा। इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। साथियों, अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस सफलता ने देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेंपर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत स्टेम एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है और बड़ी संख्या में भारत में लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की पढ़ाई करती है। और मुझे याद है, मैं कभी मेरी विदेश यात्रा के समय एक देश के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहे थे कि क्या भारत में बेटियां इस स्टेम के तरफ रुचि रखती है क्या, वहां पढ़ती है क्या। और जब मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट की संख्या इसमें ज्यादा है, तो उनके लिए सरप्राइज था। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भारत की बेटियों के इस सामर्थ्य का भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी ने एविएशन मार्केट के रूप में भारत की ग्रोथ को स्टडी भी किया है और उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर नए उत्साह से भरा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एक दशक में भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो जा चुकी है। इसमें उड़ान जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है।
अब अगले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की ये संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए ही हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ऊर्जा देने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। एक समय था जब पुअर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा था, इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। 2014 में भारत में 70 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, आज देश में 150 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। फ्रेंड्स, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बढ़ रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सेस को कम किया जाए, एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में भारत की ऑफशोर डिपेंडेंस कम हो, इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी ये सही समय है। ये उनके लिए भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। बीते 9 सालों में हमने लगभग
25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये करोड़ों भारतीय अब एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपवर्ड मोबिलिटी देखी जा रही है। भारत का टूरिज्म सेक्टर भी तेज गति से एक्सपांड कर रहा है। यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है। आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, जब भारत में इतनी संभावना है, तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा। भारत में एमएसएमई का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया, मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है, भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। इसलिए ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुली डिजाइन, बोइंग के लोग सुने, फुली डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपांशन ये एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी। आप सभी को इस नई फैसिलिटी के लिए फिर से शुभकामनाएं और विशेष रूप से दिव्यांग जनों को लेकर के आपने जो काम किया है, और सिर्फ मुझे जिनसे मेरा मिलना हुआ और जिस प्रकार से मेरे से बात हो रही थी, मुझे सिर्फ एक व्यवस्था मात्र नहीं दिख रही थी, मुझे उसमें एक इमोशनल टच फील होता था। और बोइंग की टीम के कन्विक्शन के बिना ये इमोशनल टच संभव नहीं है। मैं इसके लिए बोइंग टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभवशाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस। जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका कि आप समय निकाल आज यहाँ आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिपार्ट्स फ्रॉम द वेन्यू, प्लीज डू रिमेन सीटेड अंटिल ही एग्जिट्स द वेन्यू। वी विल वेट फॉर आवर सीनियर डिग्निटरीज टू ऑल्सो लीव द वेन्यू स्मूथली। बोइंग
सुकन्या कार्यक्रम उद्घाटिसिदारे प्रधानी वायुयान क्षेत्र के हेण्णु मक्कळ प्रवेशवन्न बेंबलिसुव गुरियोंदिगे वायुयान वलयदल्लिन उद्योगगळिगे ತರಬೇತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತಹ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು 1600 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದಂತಹ 43 ಎಕರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಐಟಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.